हाथरस में एक 19 साल की लड़की को इतनी बर्बरता से पहले गैंगरेप किया गया, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, फिर उसको उसकी जीभ काट दी गई और इतना उसके साथ बुरा किया गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। यूपी पुलिस, यूपी सरकार का जो रोल रहा है इस पूरे केस में, वो बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह इस पूरे सिस्टम पे खड़े करता है। ना तो FIR समय पे करी गई, उसके बाद अरेस्ट समय पे नहीं हुए, उस लड़की को तुरंत दिल्ली शिफ्ट करना था, वो नहीं करा गया, बहुत डिले करा गया केस में, लड़की मर गई, उसके बाद उसका जो शरीर है वो तक उसके माँ बाप को नहीं दिया गया, और माँ बाप की परमिशन के बिना, माँ बाप से मिलाए बिना लड़की को जला दिया गया। ये यूपी पुलिस का रोल है, ये यूपी सरकार का रोल है, ये हमारे देश का खोखला सिस्टम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मैंने लिखा है, सारे जजेस को मैंने लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैंने लिखा है, मेरी हाथ जोड़ के अपील है, इस केस में कम से कम इन दरिंदों को तुरंत सख्त से सख्त सजा हो, फांसी की सजा हो, इसको वो सुनिश्चित करें। साथ में यूपी सरकार, यूपी पुलिस में जो जो अधिकारी, जो जो लोग जिम्मेदार थे, उनके ऊपर सख्त एक्शन हो और इस देश को न्याय दिलाया जाए। अब और नहीं हो सकता। एक रेप होता है, बहुत शोर मचता है, सब लोग सड़कों पे आते हैं, मीडिया भी इन्वॉल्व होती है, और फिर कुछ नहीं होता, फिर सिस्टम नहीं बदलता, फिर दूसरा रेप, फिर तीसरा रेप। मैं पिछले साल अनशन पे बैठी थी, 13 दिन भूखी रही, सिर्फ ये डिमांड कर रही थी कि पुलिस के संसाधन, जवाबदेही, फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करो, ऐसा सिस्टम बनाओ हर हाल में फांसी की सजा हो, लेकिन वो सिस्टम नहीं बनाया जा रहा। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूँ, न्याय दिलाइए। इसमें जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, उनके अगेंस्ट भी सस्पेंशन ऑर्डर मांगा है। जी, मैं चाहती हूँ कि जो भी पुलिस अफसर या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर हैं यूपी पुलिस के, और सीनियर से सीनियर अफसर, इन सब की जिम्मेदारी सेट होनी चाहिए। कैसे FIR समय पे नहीं हुई, कैसे ऐसा हुआ कि अरेस्ट समय पे नहीं हुए, क्यों उस लड़की को तुरंत दिल्ली एयरलिफ्ट करके शिफ्ट नहीं कराया गया, और उसके बाद उसकी जो लाश है उसको जला दिया जाता है विदाउट गिविंग इट टू द पेरेंट्स। पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है, पेरेंट्स चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए, अरे आप उस लड़की को जिंदा रहते हुए नहीं बचा सके, कम से कम उसकी मौत में तो उसको बचा लेते, वो तक नहीं यूपी सरकार ने करा। तो यूपी सरकार की जिम्मेदारी फिक्स होनी बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर यही बोलना चाहूँगी, ये एक केस नहीं है, आज हम इस केस के ऊपर बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम जब बात कर रहे हैं तब दिल्ली में, देश में कितनी और लड़कियाँ हैं जिनका बलात्कार हो रहा है। तो ये रोकने की बात है, ये जो बच्चियाँ बलि चढ़ रही हैं ये कैसे रुकेगा, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। That is why I have appealed to the Supreme Court of this country. यूपी के चीफ मिनिस्टर ये जो कि 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा। मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इस बात को, मेरे को लगता है इसमें कोई दम नहीं है, मैं ये मानती हूँ कि ये बिल्कुल बेकार, बेफजूल की बात है, क्योंकि बहुत कम किया उन्होंने और बहुत देर से किया उन्होंने। SIT फॉर्म कर दी है तो क्या हो गया, अरे उन्हें तो तुरंत चाहिए कि अगले 2 दिन में इन्वेस्टिगेशन पुलिस से जल्द कराकर उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कराकर डे टू डे हियरिंग करवाएं, और अगले 6 महीने के अंदर अंदर हर हाल में उन पापियों को फांसी की सज़ा दिलवाएं, उनको ये करना चाहिए। इस वक्त तो यूपी के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, इनका भी रोल प्रश्न चिन्ह में है, इनकी भी इनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के अंदर वो पुलिस काम करती है जिसने उस लड़की को जला दिया और उसके माँ बाप को एक्सेस तक नहीं दिया।